भैया जैकी शराब, अब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही तो हम क्या करें? ढूंढिए ना। फिर वही बात ढूंढिए, ये हमारा काम नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या रे? ये मेरी एक फाइल है। वो नहीं मिल रहा। मैं पहले सुन तो लीजिए कि कैसी फाइल है। अरे फाइल सब एक जैसी होती है ना। देखिए मेरी फाइल है, आपके घर में सुरक्षित होगी। भाई आप पूरी बात तो सुनिए। अरे बतलाइएगा तब सुने, कैसे सुने? बात ये है कि घर के कंस्ट्रक्शन का नक्शा मैंने यहाँ पर जमा किया था। वो नहीं मिल रहा। हाँ तो वो नहीं मिल रहा तो कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ? ढूंढिए उसे। अरे ढूंढिए, पगला गए क्या? जाइए घर जाकर के एक नई फाइल बना के लेकर आइए। कमाल कर रहे हैं आप शुक्ला जी, तीन बार मैंने फाइल जमा की है और तीन बार आपने खो दी। फिर वही बात, हम घर में रखनी है क्या? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? मुंह से एनी प्रॉब्लम? बड़े बदतमीज पियू ना। देखिए सर, या तो बदतमीज कहिए या पियू, एक दिन में दो गाली नहीं चलेगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो ना, कौन कर रहा बात करो, जा भागो। लेकिन फाइल का क्या होगा? अरे जब होगी तब होगा, जब भैया नहीं रुका होगा। आप तो खो गई है ना। आपने कितने कहा? अभी आपने कहा। चलिए हमने कहा कि खो गई है, अब आप घर जाइए, नया फाइल बनाइए, उस पर कुछ एक्स्ट्रा पेपर रख के लाइए। एक्स्ट्रा पेपर क्यों? मतलब वेट, कुछ वजन। मतलब किस तरह के पेपर? 100-105 रख दो। मतलब घूस? हाँ। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? अरे मेरे प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आ रही थी। अरे आप जैसे बेशर्म आदमी को 500 रुपए मांगने में क्या शर्म आएगी? बाय गॉड, आपको क्या लगता है हम अकेले खाते हैं? पूरा स्टाफ खाता है। अच्छा अच्छा पूरा स्टाफ ही खाता है। तो अकेला वाला क्यों खाता है? आप केले खाते हैं? अरे फ्रूट सेलर केले नहीं खाते हैं, अकेले खाते हैं हम। ऑफिस में थूक भी दिया आपने। तो क्या डस्टबिन में जाकर थूके, बस पकड़ के जाए? चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करेगा भाई? तुम सबको ठीक कर दूंगा। अच्छा ऐसा लग रहा है हमारे बॉस पे। ए पांडे जी क्या हुआ? देखिए ना, कह रहा है सबको ठीक कर देगा। हमको तो ये खुद ही ठीक नहीं लगता। यही तो, जाइए ना भाई साहब, पहले से हम बहुत परेशान हैं। चलो चलो भाई, नो बी सीरियस। अरे भाई हमारा वो नया वार्ड ऑफिसर मुस्तदीलाल आता ही होगा भाई। आता होगा नहीं, आ गया। क्या, कहाँ है वो? आपके सामने। क्या आप मुसद्दी लाल शेड्यूल कास्ट है? क्या नहीं, मेरा मतलब कि मुसद्दी लाल सिंह है। हाँ मैं तुम लोगों का नया वार्ड ऑफिसर मुसद्दी लाल सिंह हूँ। क्या आप सच बोल रहे? ये देखो, ये रहा मेरा आई कार्ड। क्या? हाँ, और अब यहाँ इस ऑफिस के अंदर कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई काम चोरी नहीं होगी। मुसद्दी लाल सिंह आ गया, सब काम ठीक ठाक होगा। शुरुआत के लिए पीएन शुक्ला जी सर, तुम ये सफाई करोगे। हाँ? हाँ, ये जो तुमने थूका है उसको साफ करोगे, और वो दीवार पे ऊपर। सर वो मैंने नहीं रुका, उषा जी ने। जिसने भी थूका है तुम उसको साफ करोगे, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उषा जी मैं सारी फाइल्स देखना चाहता हूँ। जी सर। जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं लेके अंदर आइए ऑफिस में। सारी फाइल्स सर? हाँ सारी फाइल्स। कोई शक या सवाल? नो सर। ओके, ये हैं पेंडिंग फाइल्स। यही तो, यही तो कौन है जिसने पूरा का पूरा काम नहीं किया अभी तक? हेलो, हाँ कौन? क्या उषा जी, कौन बोल रहा है? सास उनकी, क्या पूछ रहा हूँ उनसे? सब्जी क्या बननी है आज? तुम्हारी सास का फोन है? यही तो। यही तो? नहीं तो। तो ये तो कह रही है कि वो तुम्हारी सास का? नहीं सर, मेरी सास को मरे हुए तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। तो ऊपर से फोन किया होगा, पता नहीं, देखो तो। हेलो कौन बोल रहा है? मेरी सास? कौन सी सास? मेरे पति की माँ? कौन से पति की माँ? नहीं नहीं, मेरी कोई सास वास नहीं है। दोबारा अगर इस नंबर पे फोन किया तो बताऊंगी नहीं कि कद्दू की सब्जी बनानी है, समझी? रख दे फोन। सर मैं ऑफिस का नंबर अपने पर्सनल काम के लिए कभी यूज नहीं करती। आज के बाद यूज भी मत करना, वरना और कुछ यूज करने के काबिल नहीं रहोगी तुम। जी सर। हाँ, अब पांडे की फाइल कहाँ? नहीं सर, पांडे जी की। अरे काहे का पांडे जी, बुलाओ उसको पांडे को। आज तक मेरे बाप ने भी मुझे पांडे नहीं कहा सर, वो भी मुझे बेटे पांडे जी के नाम से पुकारते हैं। आप भी जी लगाइए प्लीज। ये इतना सारा काम रखा हुआ है यहाँ पे, काम चोर, ऑफिस का काम करता नहीं, और पांडे जी, अरे तेरे को तो पांडू बुलाना चाहिए, पांडू। हाँ, एक हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ ना तो निकाल के बाहर कर दूंगा यहाँ से। ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है सर। क्या? एक हफ्ते के अंदर इतनी फाइल पूरी करना। मैं यहाँ पे रूल्स बदलने के लिए आया हूँ, बहुत कड़क अफसर हूँ मैं। जी जा। जी सुना शुक्ला से, कहना एक कप चाय अंदर देके जाए। जा पांडे। सर एक रिक्वेस्ट है। बोलो। इस बंद कमरे के अंदर आप मुझे भले ही पांडे, पांडू, पांडा जो कहना कह लीजिए सर, लेकिन बाहर सबके सामने पांडे जी लगाइए प्लीज। क्या? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ सर, बड़ी इंसल्ट होगी। आज तक किसी ने मुझे पांडे नहीं कहा, हर आदमी मुझे पांडे जी कहता है, लेकिन आप मुझे पांडे कहते हैं। रोना बंद कर दो वरना ट्रांसफर करा दूंगा तुम्हारा झारखंड में। सॉरी 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 सर। आ जाओ और पांडे के अलमाने की आदत डालो पांडू। बड़े दिनों के बाद अफसर की कुर्सी मिली है मुझे,
इन जूनियर कर्मचारियों की तो मैं ऐसी की ऐसी कर दूंगा। ऐसी तैसी तो होगी बेटा, फाइल पास करानी है ना, तो और भी चीजें पास करो जो जो दूर है। क्या क्या पास करूं? क्या क्या पास कर सकते हो? जी वही पास कर सकता हूं जो दूर है। क्या क्या दूर है? दूर है मतलब वो दरवाजा दूर है, वो खिड़की दूर है। अबे इतनी दूर कहाँ चला गया, थोड़ा पास आ। नहीं? तेरे को पास बुला के मैं क्या करूंगा? तो किसे पास करूं? जो तेरे पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है। सोच सोच, कुछ तो है तेरे पास। ये चश्मा है जेब में। ये चश्मा तू ही पहन। और ये पेन है मेरे पास। इस पेन से तू ही लिख। और सोच। और ये पैसे है मेरे पास। ये पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? मतलब ये पैसे मेरे पास ला। पैसे दूं? ओ रिश्वत? ऐसी बातें चिल्ला के नहीं बोलते हैं। अरे नया अफसर आया, बहुत ही खूंखार है, रिश्वत लेने वाले को कम देने वाले को ज्यादा मारता है, मालूम है? 10 दिन हुए हैं, पूरी स्टाफ की नाक में दम कर रखा है, ना ऐसे खाने देता है ना वैसे खाने देता है। ये तो शुक्र है कि वो यहाँ पे है नहीं, वरना मैं लेता नहीं और तेरा काम होता नहीं, बोल देता है। हाँ ये बात। सर आप भाटिया, ये तुम रिश्वत खा रहे हो? नहीं सर, मैं तो समोसे खा रहा हूँ सर। नहीं, वो जो पैसे तुमने अभी जेब के अंदर डाले हैं वो कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? वो कहाँ से आ गए? वो सर मैंने उधार लिए सर, उधार। अच्छा उधार। सर क्या कि वो मेरे घर में ना मेरी बीवी का बच्चा बहुत बीमार है सर, बहुत ही बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दे सर। तो मेरे भैया ने कहा भाई तुम भी खाली हम भी खाली, बाहर जाओ किसी से उधार मांग लो, किसी तरह से दवाई आ जाएगी। क्या भाई ये सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ, देख ले, सच बोल रहा हूँ, देख तुझे तेरी फाइल की कसम, बोल मैं सच बोल रहा हूँ। जी हाँ ये उधार ले। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना एक हफ्ते के बाद मेरे सामने ये पैसे इनको लौटा देना। सर इतनी जल्दी? एक हफ्ते के बाद तनख्वाह मिल जाएगी ना, अगर तुमने ना लौटाए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तू एक काम कर भाई, तू अभी ले ले अपने पैसे। नहीं नहीं, तो बीवी का बच्चा बीमार है। किसकी बीवी का सर? तुम्हारी बीवी का। हाँ हाँ वो सर मेरी बीवी का बच्चा बीमार है, उसका बच्चा है, वो जाने उसका काम जाने, अपने आप संभाल लेगी। ले भाई ले पकड़ो पैसे। मेरी फाइल कब पास होगी? कल आना है। कल नहीं अभी। हाँ अभी कर देते हैं ना भाई, अभी कर देते हैं। सर मेरे सर वो मेरे समोसे सर। सर क्या उषा जी कैसे का है? ए शुक्ला चाय बना चल। कहना है भाटिया कैसा है काम पे लगा? पांडे जी अटेंडेंस रजिस्टर लाओ भाई, एंट्री वेंट्री कर देते हैं भाई। आपकी एंट्री हो चुकी है। अरे पर मैं तो अभी आ रहा हूँ। एक घंटा पहले ही एंट्री हो चुकी है। अरे थैंक यू पांडे जी। अरे डार्लिंग रोज ऐसा ही करना, 10 बजे प्रेजेंट लिख देना, फिर मैं 11 बजे आऊँ 12 बजे आऊँ क्या फर्क पड़ता है? आपकी एब्सेंस लिखी है क्या? किसने? मैंने। क्यों भाई? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर सॉरी आज लेट हो गया, कल से नहीं होगा सर। तो कल ही आइएगा ना, आज तो एब्सेंट मार्क हो गई है। नहीं सर क्या है ना, आज मेरे घर पे ज़रा प्रॉब्लम थी सर। तो घर पे रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना जी। हाँ पिछले 10 दिन से आप लेट आ रहे हैं, मैंने कुछ कहा? थैंक यू सर। आप 11 बजे की बजाय 10 बजे की वो एंट्री मार्क कर देते हैं, मैंने कुछ कहा? जी और ग्रेट सर। तो इसीलिए पिछले 10 दिन की आपकी एब्सेंट मार्क कर दी। यू सो नाइस। क्या? वो भी विदाउट पे? नो 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 सर। बस अब यहाँ पे ऐसा ही होगा, जो लेट आएगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी। सर ऐसा मत कीजिए, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो मैं टाइम पे आऊंगा या तो नहीं आऊंगा। टाइम पे मैं आ नहीं सकता संभव, और नहीं आया तो 2 बातें होंगी, या तो आप प्रेजेंट लगाएंगे या तो एब्सेंट लगाएंगे। प्रेजेंट लगाएंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे, और एब्सेंट लगाया तो 2 बातें होंगी, या तो मेरी तनख्वाह कटेगी या तो नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और कट गई तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा सर? सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। पटेल मेरे पैर छोड़ो। नहीं सर मैं नहीं छोड़ूंगा। पटेल मेरे पैर छोड़ो वरना 2 बातें हो जाएंगी। कौन सी? या तो मैं तुम्हें माफ करूंगा या मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माफ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर माफ नहीं करूंगा तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या नहीं निकालूंगा। ना निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो तुम कहीं और जाओगे नौकरी ढूंढने के लिए या घर पे बैठोगे। नौकरी तो कहीं और तुम्हें मिल ही नहीं सकती, और घर पे बैठ तो भाई जाके घर पे बैठो ना, यहाँ पे मेरे पैर क्यों पकड़े हुए हैं? और घर पे बैठ के सोचो कि तुम्हें टाइम पे आना है कि नहीं आना है। जी है ना जी। और आज के बाद अगर कोई लेट आएगा तो समझ लो कि नौकरी से जल्दी जाएगा, समझ गए सब लोग? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी इंसल्ट जिंदगी में कभी नहीं हुई है। पांडे पांडू कह के बुलाता है। कसम वड़ा पाव की, 1 महीना हो गया ना ढंग से समोसा खाया है ना रिश्वत। अरे रोज
रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो मैं तो ठीक से मतलब पेट खराब हो गया है मेरा। भैया जमाना हो गया पान का पीक फेंके हुए, सब अंडर ही पी जाता हूँ। यही तो, कितने दिनों में मेरे घर में सब्जी नहीं बनी है। क्यों भाई, मतलब क्यों बहन? क्या करूँ, घर में काम से फुर्सत नहीं, ऑफिस में ये काटने नहीं देता। ये 40-40% लेके हमारे ऊपर बैठा है और मैं 80% लेके इसके सामने हाथ जोड़ूंगा? अभी कुछ नहीं किया ना तो भूखो बनना पड़ेगा। सही बात है भाई, हमारी खाने की आदत चली जाएगी और पब्लिक की खिलाने की आदत। जरा सोचो, सर्दी आ रही है, मुझे इनके लिए स्वेटर बुनना है, मैं ऑफिस में काम करती रहूंगी तो स्वेटर कैसे बुनूंगी? क्या करें इस छोटे आदमी का। कौन छोटा आदमी? मैं सर वो पांडू, छोटा आदमी कहता है मुझे? जलते हो, अगर सरकार हमें कोटा देती है तो तुम्हारा लोटा क्यों छोटा होता है? पहले तो हम लोगों को ये कहने में शर्म आती थी कि हम एससी हैं, लेकिन अब तो अब हमें शर्म आती है ये कहने में कि हम एससी नहीं हैं। क्या दूर है, हमारा क्या कसूर है सर? पहले ये पान साफ करो फिर बताऊंगा। मुसद्दीलाल ठाकुर कौन है? चिट्ठी है उनकी। मुसद्दीलाल ठाकुर? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई मुसद्दीलाल ठाकुर नहीं है। अरे एड्रेस तो यहीं का है, कोई ऑफिसर है यहाँ पर? ऑफिसर तो यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन मैं मुसद्दीलाल सिंह हूँ, यहाँ ठाकुर नहीं है, जाओ तुम जाओ। ठीक है, हमारा क्या जाता है। हाँ चलिए भाई, आप लोग अपने अपने काम पे चलिए, चलिए चलिए, और तुम ये साफ करो। भाई मेरी चिट्ठी आपकी नहीं है ना? अरे नहीं, मेरी है। आप मुसद्दी लाल हैं और जो ठाकुर है? मैं ही मुसद्दी लाल ठाकुर हूँ। पक्का? हाँ हाँ। कैसे मालूम है? ये ले। मान लिया जी, आप ही ठाकुर लाल सद्दी हैं। आ रहा है, आ रहा है। साफ नहीं किया अभी तक तुमने। ये तो गांव से आई है चिट्ठी, प्यारे भतीजे मुसद्दीलाल ठाकुर, बड़ी छानबीन के बाद तुम्हारा पता पता चला है, तुम्हारे दादाजी जमीन तुम्हारे नाम करके मर गए। हालांकि तुम्हारे नौकरी पाने के लिए जो बड़ी जात से छोटी जात का बनने का जो जाली सर्टिफिकेट बनाया था उससे तो वो बहुत नाराज थे, पर मरते मरते जमीन तुम्हें दे गए हैं, आके हिसाब किताब कर लो वरना जमीन पर शौचालय बना दिया जाएगा। अरे वाह, मेरे दादाजी मेरे नाम पर जमीन कर गए, ये चिट्ठी क्यों लाया? हाँ वही तो यार, चिट्ठी तो किसी मुसद्दीलाल ठाकुर के नाम की थी। अरे परंतु ठाकुर ऊंची जात के होते हैं, अपना छोटू तो छोटी जात का है। यही तो, कहीं नीचे जात का बनने का नाटक तो नहीं कर रहा है? एक बार बस वो चिट्ठी हाथ लग जाए। कौन है, कौन है? मैं प्यून शुक्ला। शुक्ला सर क्या है? चाय है सर। चाय? चाय कहाँ है? मतलब लिया है सर? लिया? नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ ना। जी सर। हाँ चलो, गुड बाय सर। क्या? गुड बाय सर। गुड बाय। कहाँ है चिट्ठी? अरे छोटू ने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि पूछो मत। जोड़ शुक्ला, जोड़। शुक्ला ऐसे जोड़ना कि पता ही ना चले कि पहले फटी थी। यही तो। बस चिंता मत करो, अभी जोड़ता हूँ। वरना जमीन पे शौचालय बना दिया जाएगा। हो तो ये साला ऊंची जात वाला जाली सर्टिफिकेट बनवा के शेड्यूल कास्ट बना हुआ था और 40% लेकर भी कोटे से आ गया। बताइए, ब्राह्मण पे हुकुम चला रहा है। यही तो, छोड़ेंगे नहीं इसको, इसके कंप्लेंट कर देंगे। नहीं, कोई इसके कंप्लेंट नहीं करेगा। तो इसका वो हाल करेंगे कि असल में ऐसे हो जाएगा। बहुत बेइज्जत किया इसने मुझे, पांडे पांडू पांडा पता नहीं क्या क्या कहा है। अब इसे पता चलेगा कि पांडे के आगे जीने लगाने का क्या हाल होता है। पांडे सही कह रहा है क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है, इतने दिनों से पांडे पांडू पांडा ये सब सुन रहे हैं तो आदत सी हो गई है ना, तो जी नहीं लगा। सॉरी पांडे जी, उसने हमसे हमारी आदत छीन ली है। देख लीजिएगा, हम इससे इसका वो चीज छीन लेंगे कि इसको खुद भी नहीं पता होगा क्या क्या छीना है। यही तो, आने दो उसे। क्या हो रहा?
ये क्या हो रहा है भाई? देख क्या हो रहा है ये? ये क्या कहो? ए शुक्ला, क्या है बे छोटू? बे, अरे मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ मुसद्दीलाल सिंह। क्या हो? ऑफिस में पान थूक तो चलो साफ करो। तुम साफ करो। मैं साफ करो? नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अरे पहले अपने बचा लो राजा। मेरी मुसद्दीलाल ठाकुर। थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो मुसद्दीलाल सिंह हूँ। अच्छा, आप कहोगे कि ये चिट्ठी भी तुम्हारी नहीं है? अरे ये चिट्ठी तो मैंने फाड़ दी थी। फाड़ दी थी मगर हमने जोड़ ली। फ्रॉड कहीं के? शेड्यूल कास्ट का नकली सर्टिफिकेट बनाते हो और असली शेड्यूल कास्ट लोगों का हक छीनते हो। मैंने किसी का हक नहीं छीना है। अरे वो तो बाद में पता चलेगा जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। क्यों? हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। क्या? हाँ बेटा, तब पता चलेगा कि गांव में जमीन किसकी है और तब तुम्हारी असली असलियत सामने आएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। मैं आप सब लोगों के पांव पड़ता हूँ। देखिए वैसा पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। पटेल प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, अब तो दो बातें हो जाएगी। मुझे पता था। कौन कौन सी? या तो हम तुम्हें माफ करेंगे या तो नहीं करेंगे। माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं किया तो दो बातें हो जाएंगी, या तो हम तुम्हारी कम्प्लेन करेंगे या तो नहीं करेंगे। कम्प्लेन की तो गए बच्चू। नहीं की तो फिर दो बातें हो जाएंगी, या तो तुम हमें दुआएं दोगे या तो तुम हमें पैसे दोगे। दुआएं तो हम लेंगे नहीं, और पैसे दिए तो हम फौरन ले लेंगे। 50,000 रुपए का नुकसान कराया, पूरे 50,000 रुपए। 3 महीने का नुकसान पूरा करना है। बोलो बेटे को लेकर जाओ, लेटर ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं दे दूंगा 50,000 रुपए। पहले वहाँ जाओ। कहाँ? सब्जी पड़ी है, काटो। जी। उसके बाद मेरी टेबल पे आ जाना, सारी फाइल्स का काम पूरा करना है। जी। उसके बाद काटो, पान ले आना यार। जी। और 2 प्लेट समोसे भी। जी। ओ जी जी मत करो, जल्दी भागो यहाँ से। जी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। जी नहीं लगाता था ना? जी गलती हो गई पांडे। पांडू, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोबारा ऐसा कहने लायक भी नहीं रहेगा मुसद्दीलाल। बोल पांडे जी। पांडे जी। जी पांडे जी। जी पांडे जी। जी जी पांडे जी। जी 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 पांडे जी। जी जी बोलता रहे। जी जी पांडे जी। जी 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 पांडे जी। जी बोलता रहे, रुकना नहीं। जी जी पांडे जी। जी 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 पांडे जी। जी बस इतना जी जी करेगा तो ये सब काम कौन करेगा? जी जी पांडे जी। जी शाम तक ये फाइल पूरी हो जानी चाहिए। अरे शाम तक ये फाइलें पूरी करूंगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा पांडे जी। जी जी जल्दी शुरू हो जा, उषा जी के कपड़े भी धोने हैं। जी पांडे जी। जी हाँ बोल बोल। नहीं रे, इतने दिन में टाइम ही नहीं मिला, फ्री नहीं थी ना। हाँ फ्री हूँ, बोल क्या क्या इतने दिन? मैडम आपके कपड़े धो दिए। अच्छा इतना किया? आप जरा देख लें। अब फोन पे कैसे देखूं? यही तो। सूखने के लिए कहाँ डालने? डाल दे डाल दे। नहीं कहाँ डालूं? बैंक में, जब मन में आए निकाल लेंगे। कपड़े सूखने के लिए बैंक में डालूं? कौन से बैंक में? अरे जो भी घर के पास में हो। उसके लिए तो अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। यही तो, अकाउंट तो खोलना ही होगा। कैसे बात कर रही है? फोन पे बात कर रही है। फोन पे? तुम चुपचाप खड़े रहो। तो ये कपड़े सूखने के लिए कहाँ डालूं? डालो मेरे सर पे। आप, जगह कम पड़ेगी मैडम। अरे बाबा बाहर जाके डालो ना। जी। अब आया लाइन पे। अरे सर चाय। समोसे कौन लाएगा भाई? मैं लाऊंगा जी, मैं लाऊंगा। तो लाओ। जी जी। डियर ऑफिसर, जी चार ठो पान पकड़ लाना बे। जी जी जी। सुनो भाई, अरे कहू छू डालें कहू छू। हाँ मेरे घर पे चले जाना, नौकर नहीं आया है तो बाजार से मैडम को कुछ मंगाना है। आप लोगों ने मुझे समझ के रखा है? नौकर। तब ठीक है। अरे धीरे धीरे धीरे, बस बस बस, वो सामने से फाइल लिया। जी। ए फाइल वाइल बाद में लाना, पांव दर्द कर रहा है, दबा चल। जी। अबे समोसे तो ला दे पहले। नहीं नहीं, पहले मेरी सब्जी कब से पड़ी है, और बाद में बिल्लू को स्कूल से लाने भी तो जाना है। जी। हाँ यहाँ कब से थूका हुआ है यार, साफ कर दो भाई। अरे भाई क्या क्या करूँ मैं गलती से शेड्यूल कास्ट क्या बन गया? आप लोगों ने तो मुझे सही में बना दिया। कोई कहता है यहाँ पे पान साफ करो, कोई कहता है यहाँ पे जूता पॉलिश करो, कोई वो उषा जी जो है वो पूरे घर की सफाई करा दी है मुझसे, सब्जी कटवा दी है मुझसे। अरे भाई मैं तुम लोगों का अफसर हूँ, अरे कुछ तो इज्जत दो। दे तो रहे हैं बेटा, इसीलिए आओ वरना नौकरी चली जाती। अरे 50,000 रुपए दिए मैंने तुम लोगों को। ओहो, हमारा इतने दिन खाना खराब किया वो, तो कब तक बदला लोगे भाई? जब तक यहाँ पर हो। ठीक है तो मैं अपना यहाँ से ट्रांसफर करा लेता हूँ। मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैं अब यहाँ पर काम ही नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पे अपना इस्तीफा दे दूंगा, वहाँ गांव चला जाऊंगा और दादाजी की जमीन पे खेती करूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा मैं। वहाँ शौचालय बना दिया बेटा। क्या? हाँ चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। आप वहाँ पे पहुँचे नहीं ना, तो आपके नाम पे शौचालय बन गया वहाँ पे। क्या? हाँ कल उद्घाटन है। नहीं 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 नहीं, अब बताओ यही रहोगे? नहीं यहाँ तो नहीं रहूंगा मैं,
जाऊंगा तो वापस वहीं पे। अब शौचालय की देखभाल करूंगा। धोखे से शेड्यूल कास्ट बनने के लिए चला था ना मैं, यही तो तकदीर ने सच में बना दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।